नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीबीसी के एक हाल ही में लॉन्च किए गए डीआईवाई वाटर कूलर के बारे में। डीआईवाई वाटर कूलर के बारे में आप अगर जानते हो तो आपको पता होगा कि ये जो वाटर कूलर है ये अलग अलग पार्ट्स में आता है। इसको हम लोग अपने हिसाब से असेंबल और मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो जो बीबीसी ने लॉन्च किया है ये दो उसमें किया है, 120 mm और 240 mm में किया है। तो हम आज जो इस वीडियो में जो जानेंगे वो है आपका 120 mm का वाटर कूलर, जो कि ये कुछ इस तरह का है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। हम देख सकते हैं इसके अंदर हमें काफ़ी तरह के बॉक्सेज हैं और हम देखते हैं एक एक करके कि हर एक बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम इस बॉक्स को खोलते हैं। इसके अंदर आपको एक CFL ट्यूब दी गई है जो कि आपके वाटर कूलर में इंस्टॉल होगी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पर इंस्टॉल होगी। एक हमें इसके अंदर 120 mm का फैन दिया गया है। ये आपका इसके अंदर 120 mm का फैन दिया गया है। ये इसके स्क्रूज हैं। ये एक LED लाइट है इसके अंदर। ये कुछ स्क्रूज हैं और इसके अंदर ये हमारा CPU का हेड दिया गया है। ये CPU का हेड है। ये LED इसी में ही इंस्टॉल होगी। आगे है जब हम इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें ये आप देख पाएंगे कि कहाँ इंस्टॉल होगी। और ये इसके स्क्रूज हैं। इसके अंदर एक और LED दी गई है। ये आपका इसका पंप है। ये आपका इसका पंप है। ये LED इस पंप में इंस्टॉल होगी इस जगह पे। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें इसके अंदर क्या क्या दिया गया। ये आपका एक इसका रेडिएटर है 120 mm का। ये रेडिएटर को के स्क्रूज हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं और हमें इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। ये आपका इसके अंदर एक ग्लास बैरल दिया गया है, जो कि आपका इसके अंदर आप लिक्विड कूलर अपने जब भरेंगे तो इसके अंदर ये आपका पंप में और आगे की दूसरी जगहों में इसको लिक्विड कूलर को आपके को जो कूलेंट होगा वो आगे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में होगा। ये आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को ने रेजिडेंट एविल मूवी देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये डिज़ाइन जो है वो उसी के ही ऊपर बेस्ड है। ये इसको कनेक्ट करने के लिए दो कपलर दिए गए हैं कैबिनेट में लगाने के लिए। ये इसके L एंगल भी दिए गए हैं, आप चाहें तो इसके थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं मिल रही हो तो। ये बाकी की इसकी फिटिंग्स हैं जो कि आपकी ये इसमें और आपके पंप वगैरह में फिटिंग में काम आएंगी। ये इसके साथ आपका एक पाइप दिया गया है जिसके थ्रू आप सारी अपनी वाटर कूलिंग को सप्लाई देंगे।
इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से किस कहाँ पे फिट करना है, कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है। इसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। और अगर हम लास्ट में बात करें तो ये एक ही बॉक्स है, ये आपका लिक्विड कूलेंट है, ये आपका लिक्विड कूलेंट है। आप इसको जब आप अपना यूज करेंगे तो आप इसको ओपन करके अपना उसमें इंस्टॉल करेंगे अपने कूलर में। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दी गई हैं जिसके ज़रिए आप अपना कूलिंग एक्सपीरियंस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये 120 mm का वाटर कूलर की अनबॉक्सिंग थी।